आज आशीष टिफिन लेके भी नहीं गए थे और कह रहे थे कि लंच पे घर भी नहीं आऊंगा, कुछ काम है तो वहीं पर खा लूंगा। और ये लीजिए, आप तो बोले थे नहीं आऊंगा मैं। आज आशीष को लंच नहीं करना था तो एज इन मैंने कुछ बनाया भी नहीं था। खाओ दे दो फटाफट, जो कुछ बन जाए ठीक है। आज मेरा प्लान था कि आशीष को नहीं खाना है तो मैं और ईशु अपने लिए कुछ अलग सा बना लेंगे, पर कोई नहीं, अब आ गए हैं तो चलिए पहले तो फ्रिज की ताका झाकी कर लेते हैं कि फ्रिज में क्या रखा है। तो फ्रिज में रखा था पनीर और मुझे मिल गया है दही भी, और मैंने आज लस्सी बनाई थी तो सोचा चलो आशीष को वो दे देती हूँ, गर्मी लग रही होगी। तो बस आशीष को लस्सी दे दी है, वापस से आ गई हूँ मैं किचन में और अब मैंने शुरू कर दिया है खाना बनाना। तो वही बेसिक तैयारी, सबसे पहले प्याज काटो, प्याज चॉप करो, लहसुन छीलो, लहसुन चॉप करो, ये बेसिक काम है जो कि थोड़ा बोरिंग हो जाता है लेकिन रोज का है। और साथ में आजकल रियांश के यूनिट टेस्ट चल रहे हैं तो बस उसकी भी पढ़ाई करनी है, काम भी, पढ़ाई भी, सब करना है, कोई भी काम रुक नहीं सकता है। आजकल प्याज थोड़ी अजीब सी आ रही है तो बिना धुले मुझे अजीब सा लगता है उसे यूज़ करना, तो पहले एक बार ही हम प्याज को अच्छी तरीके से धुल लेंगे फिर हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं प्याज को चॉप करने के लिए चॉपर यूज़ कर रही हूँ, हाथ से कौन घंटा भर यूज़ करे। आप सब पूछते हैं ये किस ब्रांड का चॉपर है, तो ये बटरफ्लाई ब्रांड का चॉपर है, अमेजोन में इंक्स अवेलेबल है और ये मेरी सेकंड परचेज है सेम ब्रांड से, काफ़ी अच्छा है तो ज़रूर आप कंसीडर कर सकते हैं। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है क्योंकि आप पूछते हैं इसलिए बता रही हूँ। अब बस यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें मैं लूँगी सरसों का तेल, तेल को धुआं आने तक हम पका लेंगे, फिर इसमें मैं डाल दूँगी जीरा। मैं पकाऊँ नहीं ना तेल, मतलब तेल से धुआं ना आए तो अजीब सा तेल का टेस्ट आता है फिर सब्ज़ी में, वो हमें पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। फिर इसमें मैंने डाल दी है वही प्याज और लहसुन चॉप की हुई, और इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसे बेसिकली हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। साइड बाई साइड टमाटर भी ले लेंगे क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं पनीर भुर्जी, तो उसमें मस्त वाला एक ट्विस्ट देने वाली हूँ मैं, ज़रूर वीडियो पूरा देखिएगा। और ये जो ट्विस्ट है ना, ये आपकी पनीर भुर्जी को अनदर लेवल पे पहुंचा देगा। तो यहाँ पर प्याज हो रही है, वहाँ पर मैं टमाटर चॉप कर रही हूँ, और रियांश को शौक चढ़ रहा है कुकिंग का तो आके यहाँ पर उसे मिक्स कर रहा है। मुझे डर लगता है कि वो जब इस तरीके से करता है लेकिन इधर उधर थोड़ा सा होना तो तुरंत आ जाता है। और बस यहाँ पर मैंने ये टमाटर चॉप कर लिया है, ऑलमोस्ट जो प्याज है ना वो भुन गई है, मतलब जो तेल है प्याज ने वो छोड़ दिया है। फिर इसमें मैं डालूँगी एक चम्मच बेसन, अगर आपके पास पहले से भुना हुआ बेसन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक चम्मच बेसन डाला है, इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब क्योंकि तेल कम है, बेसन को अच्छा खासा तेल चाहिए होता है भुनने के लिए, तो आपको कंटिन्यूसली चलाना है वरना चांसेस होते हैं कि वो जल जाए, और फिर जैसे ये भुन जाएगा ना तो तेल छोड़ देगा। और फिर इसमें हम डालेंगे हल्दी और थोड़ी सी हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, कलर के लिए बहुत अच्छा प्यारा कलर आता है तो दिखने में अच्छी लगती है फिर सब्ज़ी। अब बेसन इसमें हमने क्यों डाला है, क्या होता है कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि पनीर मतलब पानी पानी उसमें छूटा हुआ है, पानी अलग है पनीर अलग है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसमें हमने एक चम्मच बेसन डाला है, अच्छा खासा बाइंडिंग का काम करता है और भुने हुए बेसन का तो स्वाद अलग ही आता है, बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर आप ये ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये पनीर भुर्जी, गारंटी, लिख कर रख लीजिए। फिर बस मैंने इसमें टमाटर डाला, नमक डाला और इसे अच्छी तरीके से हम पका लेंगे जब तक टमाटर बिल्कुल मशी नहीं हो जाते और इसमें प्याज टमाटर बेसन सारी चीज़ें एक दिल नहीं हो जाती, कोई भी चीज़ अलग अलग नहीं लगनी चाहिए। अब इसमें लगना था थोड़ा टाइम, आशीष को जाना था जल्दी, तो भाई साइड बाय साइड हम सारे ही काम निपटा लेंगे क्योंकि लंच ब्रेक तो थोड़ा सा ही होता है, उसी टाइम में आपको सारा काम करना है यहाँ पे। तो बाय साइड में ही मैंने यहाँ पर आटा भी लगा लिया है, रोटी बनाएंगे, कोई पराठा पूड़ी नहीं बनना है, नॉर्मल रोटी बनेगी, तो उस हिसाब का आटा मैंने यहाँ पर लगा कर तैयार कर लिया है। और मेरे साथ तो कई बार ही होता है कि एक काम करने लगो ना तो दूसरे काम से ध्यान हट जाता है और फिर वो जल जाते या तो और कुछ हो जाता है, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान में रख के करें कि वो जले ना, तो बाई चांस आज मेरा ये जला नहीं है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है, और मैंने ले लिया है यहाँ पर एक पनीर का पैकेट और वो हम यूज़ करेंगे। आजकल मुझे लगता है कि पनीर का पैकेट यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू वो खुला पनीर लेना, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा मिलावटी पनीर चल रहा है आजकल।
तो थोड़ा अगर हम पैकेज्ड पनीर लेते हैं ना, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं बड़े बड़े कंपनीज पे कि एटलीस्ट वो हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं आप भी ज़रूर बताइएगा, कुछ इंसाइटफुल होगा, हो सकता है मेरे लिए यूज़फुल हो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि मुझे भी पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है, और हो सकता है मैं सच्चाई से रूबरू ना हूँ। बस यहाँ पर ना हमने पनीर को ना हाथों से ही तोड़ तोड़ के डाला है। यहाँ पर मैं आपको ग्रेट करने के लिए नहीं कहूँगी, ग्रेट करने से ना बहुत ही छोटा छोटा हो जाता है पनीर, फिर उसमें ना टेक्सचर कुछ नहीं रह जाता है पनीर की भुर्जी में। तो हाथ से ही हम पनीर को स्ट्रेट करेंगे और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा रूखा सूखा हो जाएगा आपके पनीर भुर्जी। थोड़ा सा पानी डालिए और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, थोड़ा मैश करते हुए मिक्स करेंगे और ये हमारी जो पनीर भुर्जी है वो ऑलमोस्ट रेडी है। आज घर में धनिया पत्ती हो गई थी ख़त्म। भाई बड़ी महंगी हो गई है धनिया पत्ती। अब लगा लेते हैं थाली। मैंने साइड में रोटियां भी सेक ली थी, वो शूट नहीं कर पाई। अब थाली में मैंने लगा ली है पनीर की भुर्जी और आज पड़ोसियों के यहाँ से आई थी कढ़ी। भाभी ना जब भी कढ़ी बनाती हैं तो ज़रूर दे देती हैं, तो उनके यहाँ हफ्ते में एक बार तो बन ही जाती है। तो बस कढ़ी आ गई है, तो वो भी मैंने यहाँ पर प्लेट में लगा लिया है। सैलड है और आम बस जाने ही वाले हैं, तो जितना खा सकते हैं उतना खा लीजिए। और साथ में है रोटी और बेसन का लड्डू, जो कि बारिश के सीज़न में या फिर गर्मियों के सीज़न में घर में रहते ही है, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है, बाकी चीज़ें ख़राब हो जाती है। और है छाछ साइड में। ये रही हमारी आज की थाली, आई होप अच्छी लग रही है आपको। टेस्ट बहुत अच्छा था पनीर भुर्जी का। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ही ट्राई कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। लंच ब्रेक में भी आके ना काम ही कर रहे थे, मैंने बोला आप साइड में रख दो काम, खाना खा लो फिर ऑफिस चले जाओ, वहाँ जाके काम करो। और साथ में मैं भी बैठ गई, थोड़ा बहुत मैंने भी खाया और आशीष ने इंजॉय किया अपना फूड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंजॉय।